हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक आप देख रहे हैं, आपका टॉपिक चल रहा है पैसे बॉयज। इसके ऊपर जनरल रूल आपके लगभग कंप्लीट हुए थे और जनरल रूल के बाद शायद आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड, वो क्वेश्चन वर्ड जिनमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम किस वजह से होती है वो भी आपको समझाया गया कि या तो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं इस वजह से प्रॉब्लम होती है। जितने क्वेश्चन वर्ड आप लोगों को पीछे कराए गए हैं उनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो व्हाट मैंने आपको कराया, हु कराया, हुम कराया, विच, उसके बाद मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी, तो हाउ मच और हाउ मैनी के बाद आपका सिंगुलर, प्लूरल, तो ये सारे रूल आपको लगभग लगभग समझ में आए होंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर इनके अलावा कोई और क्वेश्चन वर्ड आता है तो उनमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, मैं आपको एक एक सारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका एक एक सेंटेंस दूंगा, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप सेंटेंस केवल एक ही यहां देखेंगे और नीचे लिंक में आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलती है उसमें आपको एक्सरसाइज मिलती है। आप उस एक्सरसाइज को जितने अच्छे तरीके से लगा लेंगे प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, आप उसे सॉल्व करेंगे। यदि आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ पूछने की जरूरत है तब आप निश्चित रूप से कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का अपना मेन है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा जो अदर क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका आपको क्या करना है कि एक एक सेंटेंस देखना है। जैसे Why does she teach the children? तो इसमें आप देखिए कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन से क्वेश्चन वर्ड में प्रॉब्लम आएगी, वो आपको अलग से लिखना नहीं, आपको तो अपने जो बेसिक रूल है पैसे बॉयज का उस पर चलना है। बेसिक रूल शायद आप सब लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि जो आपकी मेन वर्ब होती है, जैसे यहां आपकी मेन वर्ब है टीच, आपने अपनी मेन वर्ब से क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है? क्योंकि आप पैसे बना रही हैं तो आपको सबसे पहले जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया कि आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्या और एक किसे। हर बार आप इसी बेसिक रूल पे चलेंगे, प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो सॉल्व इसी से करनी है। व्हाई डज सी टीच द चिल्ड्रन, वह बच्चों को क्यों पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा, ना तो यहां बाद में मिल रहा है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट में तो मिल ही नहीं रहा, आपका क्वेश्चन वर्ड में भी नहीं है। क्वेश्चन वर्ड में क्या का कब होता है, जब व्हाट होता। दूसरी बात आप देखें कि किसे पढ़ाता है, तो इसके आंसर में आपको मिल रहा है दी चिल्ड्रन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको बताया कि आपको पैसिव वॉइस में एक ही बात पे चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है आप उसे सब्जेक्ट बनाइए, आपने दी चिल्ड्रन को सब्जेक्ट बनाइए। ये जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस आप बनाएंगे किसमें, इज, एम, आर में। चिल्ड्रन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये प्लूरल है इसलिए आप आर का यूज करेंगे, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले कर दिया। इसके बाद आपकी जो मेन वर्ब है आप उसका थर्ड कर देंगे, तो ये हो गया आपका आर द चिल्ड्रन टॉट। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा, ये सी सब्जेक्ट है आपका, आप इसे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देंगे तो ये हो गया आपका बाई हर, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपका जो क्वेश्चन वर्ड था, क्योंकि ये क्वेश्चन ना तो सब्जेक्ट का काम कर रहा था ना ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन वर्ड जहां होगा आप भी उसे वहीं रख देंगे। इसका मतलब सेंटेंस में सबसे पहले था, आपने इसको यहीं रख देना है, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा कि वही और द चिल्ड्रन टॉट बाई हर। देखिए बहुत इजी होता है पैसिव वॉइस बनाना, लेकिन वो लोग जो चीजें, यानी आपका जो बेस है आप उसके आधार पर नहीं चलते, किसी भी तरीके से इनको भी रटने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से गलती की पॉसिबिलिटी रहती है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
इसके बाद जैसे ये आपका एक वाई का हो गया कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक इसी तरीके से। ये आपका हाउ डिड ही सॉल्व द सम, तो यहां हाउ में किस तरीके से आपने करना है, हालांकि किसी में कोई अलग बात नहीं रहेगी। यहां भी आप देखिए सॉल्व से क्वेश्चन करेंगे आप क्या सॉल्व किया, आपको आंसर मिलेगा द सम, ठीक है। आप इस द सम को आगे ले लेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इससे पहले करेंगे। यहां चूंकि डिड लगी हुई है तो आप इसका वॉज और वर्ब में बनाएंगे, ये सिंगुलर है इसलिए आप इसके लिए वॉज का यूज करेंगे। मेन वर्ब जो आपकी सॉल्व है आप इसका थर्ड कर देंगे, ये हो गया। जो सब्जेक्ट है आप उसे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा बाई हर, सॉरी बाई हिम। क्वेश्चन वर्ड मैंने बताया कि यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी का काम नहीं कर रहा, ऐसी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे ज्यों का त्यों लगा दीजिए। तो हाउ को आप जैसा था हाउ को इस तरीके से रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हाउ वाज द सम सॉल्व्ड बाय हिम। इसके बाद चलिए एक नेक्स्ट और देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने वेयर डू दे बाय बुक्स, ठीक है। आपके पास जो ऑब्जेक्ट है तो आप क्या करेंगे, बाई है, आप इस बाई से क्वेश्चन करेंगे, ये आप इससे क्वेश्चन करेंगे क्या खरीदा, आपको आंसर मिलेगा बुक्स। आपका जो आंसर है आप उसे आगे लाइए, आपने इसको आगे ले लिया। इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन टेंस आपका यही रहता है। डू और डज का बी फॉर्म लगाना है, तो डू और डज का जो पैसिव बनता है वो एएमआर होता है, बुक्स प्लूरल है इसलिए बुक्स के अनुसार आप लगाएंगे तो आर लगेगा। मेन वर्ब लगाना है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब थर्ड करेंगे, बाई का थर्ड हो जाएगा बॉट। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है आप इसे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा बाई देम। क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड जो था, तो ये क्वेश्चन वर्ड ना तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना ऑब्जेक्ट का कर रहा है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट भी है जो पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट भी था जो आगे आ गया, इसका मतलब ये किसी का काम नहीं कर रहा। ये नहीं कर रहा तो जिस कंडीशन में ये जिस तरीके से रखा था आप उसे उसी तरीके से रख देंगे, तो ये हो जाएगा वेयर आर द बुक्स बॉट बाई देम। इसके बाद देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, ये मैं वो बता रहा हूं जिनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए मैंने इनको आपको बाद में बताया है, पहले आपने वो सारे क्लियर कर लिए जिनमें आपको प्रॉब्लम थी, इसके बाद ये चीजें आपको बहुत इजी लगेंगी। इनमें प्रॉब्लम क्यों नहीं आती वो मैं आपको रीजन बता रहा हूं, क्योंकि ये न तो सब्जेक्ट में भूमिका निभाते हैं ना ऑब्जेक्ट में, इस वजह से इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट देखिए, ये आपके सामने व्हेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, प्ले खेलना, क्या खेला, फुटबॉल, जो आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट आपको मिल गया तब आपके क्वेश्चन वर्ड से प्रॉब्लम नहीं होगी। फुटबॉल को आप आगे लेंगे, देखिए दो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप कहीं ये नहीं सोचें कि आपने क्या किया, क्या क्या ऑब्जेक्ट आपको मिल गया तो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन वर्ड से आपको प्रॉब्लम नहीं, क्या और किसे दोनों करिए, तो या तो किसी का उत्तर मिले ही नहीं या क्या का उत्तर मिले ही नहीं। अगर क्या का और किसी का उत्तर क्वेश्चन वर्ड में मिलता है तो क्वेश्चन वर्ड से प्रॉब्लम है, ये आपको देखना है। तो यहां फुटबॉल है, आप फुटबॉल को आगे ले लीजिए। इसके अकॉर्डिंग यहां क्या लगा हुआ है, वर, वाज और वर का जो बी फॉर्म होता है वो क्या होता है, वॉज बींग और वर बींग।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे फुटबॉल के अनुसार तो क्या लगेगा, वॉज बी। अब आपको यहां ये चीज याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरीके से देखिए, वॉज ऑब्लिक वर प्लस बी। इस प्लस बी का मतलब क्या होता है कि सामान्य तरीके से अगर अपन इसे बनाते, एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते, तो वॉज बीइंग या वर बीइंग लगता वो फुटबॉल के बाद लगता, तो वॉज बीइंग यहां लगता इस तरीके में अफर्मेटिव में। लेकिन इंटरोगेटिव में चूंकि आपने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को लेके आगे आना होता है, इन्वर्जन करना होता है, आप हेल्पिंग वर्ब को कहीं ये दिमाग में गलती से नहीं आ जाए कि वॉज बीइंग पूरा आगे आ जाएगा, तो उसके लिए इस तरीके से आपको लिखाया जाता है कि वॉज प्लस बीइंग और वर प्लस बीइंग। इसका मतलब बीइंग आपका यही रहेगा, जो मेन काम है वो वॉज और वर का होता है, तो आप इसे केवल इसको आगे लेंगे, ये आपका यही बना रहेगा, आपका वॉज आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कि वॉज फुटबॉल बीइंग। ये नहीं करें कि वॉज बीइंग पूरा आगे ले लें, तो कभी कभी ये गलती भी हो जाती है, या तो जल्दबाजी की वजह से हो जाती है या उस समय थोड़ा प्रेशर होता है उसकी वजह से भी हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका वॉज फुटबॉल बीइंग, प्ले का थर्ड कर देंगे प्लेड हो जाएगा। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है आप उसे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, तो ये यू है, यू ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है, तो ये बाई यू ही रहेगा। यहां आपके पास क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या रखा हुआ था, वेन, क्योंकि वेन आपके लिए ना तो सब्जेक्ट के प्लेस पे काम करता है और ना ही ऑब्जेक्ट के प्लेस पे काम करता है, इसलिए आप वेन को जिस तरीके से रखा हुआ है आप उसे उसी तरीके से रख दें। तो ये आपका बन जाएगा वेन वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। इसके बाद एक और देखिए, विच बुक विल यू रीड टुमारो, ठीक है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप अभी तक करते आए थे वही काम आप यहां करेंगे कि सबसे पहले जो आपकी मेन वर्ब है रीड, आप इस मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे क्या पढ़ा, रीड से आपको आंसर क्या मिलेगा, टुमारो तो मिलेगा नहीं, टुमारो तो अगर आप ये पूछेंगे कि कब पढ़ा, ठीक है, विच बुक कौन सी किताब विल यू रीड आप पढ़ेंगे टुमारो कल, यानी कल आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, जब आप पढ़ना से क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे तब आपको आंसर क्या मिलेगा, बुक, जो आंसर आपको मिल रहा है क्या के में वो क्वेश्चन वर्ड में चला गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ में आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आप इस विच बुक को ही सब्जेक्ट बना देंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन वर्ड से हाथ नहीं लगा रहे थे, क्यों, क्वेश्चन वर्ड को बिल्कुल लास्ट में ले रहे थे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड की भूमिका नहीं थी, पैसे बॉयज जिस तरीके से चलाए जाते हैं उस तरीके से क्वेश्चन वर्ड की अभी भूमिका नहीं लग रही थी, क्या हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, हमें सब में ऑब्जेक्ट मिल रहा था, यहां अगर आप देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, ऑब्जेक्ट मिला आपको क्वेश्चन में, तब आपने क्या करना है कि क्वेश्चन वर्ड को ही पहले रखना होगा। तो विच बुक आपका आ गया, पहले आपने यहां भी रखा, लेकिन यहां पहले रखने में और यहां पहले रखने में अंतर क्या है कि यहां हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग चलेगी, सब्जेक्ट बनेगा ये, और यहां क्वेश्चन वर्ड था केवल, ठीक है, तो विच बुक हो गया, विच बुक के हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो बिल और सेल का अगर आप पैसिव देखेंगे तो किसमें बनेगा, बिल भी और सेल भी में, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां आ जाएगा बिल भी। मेन वर्ब आपके पास क्या है, रीड, आप रीड का थर्ड करेंगे तो रीड का रीड ही होता है, बस केवल इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा चेंज होता है, रेड हो जाता है, तो ये हो जाएगा विच बुक विल बी रेड। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है आप इसे क्या करेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बनाएंगे, टुमारो बाई यू। अब आपका इस क्वेश्चन वर्ड से कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने इसे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के रूप में इसको पहले रखा, क्योंकि यहां आपके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इस तरीके से बस आपने ये पहचानना है, और वो पहचान केवल आप एक ही तरीके से कर सकते हैं कि आप पैसिव वॉइस में हर बार अपनी वर्ब से दो क्वेश्चन करें, क्या और किसे, क्या और किसे के आंसर आपको जो मिलेंगे वो आपके लिए ऑब्जेक्ट होंगे, यदि वो अलग से आपको यहां मिल जाते हैं तब तो अच्छी बात है आप उन्हें सब्जेक्ट बना लीजिए, यदि वो आपको क्वेश्चन वर्ड में मिलते हैं
तब आप उस क्वेश्चन वर्ड को ही सब्जेक्ट बना लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चलाइए। इसके बाद मैं आपको जैसे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी कुछ पीछे एक्सरसाइज करवाई थी आपकी, कुछ इस वीडियो के नीचे भी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए एक लिंक दूंगा, आप उसे ओपन करिए और एक्सरसाइज को लगाइए। देखिए प्रैक्टिस की जितनी बड़ी भूमिका किसी भी सब्जेक्ट के लिए होती है, मैं ये नहीं कहता कि केवल इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस की भूमिका है, मैथमेटिक्स के लिए, प्रैक्टिस की भूमिका हर सब्जेक्ट के लिए, हर काम के लिए। आप कोई भी काम करते हैं उस काम की आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं आप उस काम में उतनी अच्छे यानी परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्लियर है कि आपको प्रैक्टिस हर बार करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से जो आपकी गलतियां होती हैं वो पता भी नहीं लगता और धीमे धीमे निकल जाती है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट रूल। तो ये आपका पैसिव वॉइस के दो रूल यहां आपके क्लियर हुए, फर्स्ट आपका जनरल रूल थे वो सारे क्लियर हो गए। उसके बाद दूसरा आपने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर आते ही तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव से आपको किस तरीके से उनका सोल्यूशन देखना है, आपको उन्हें किस तरीके से लेके चलना है, वो सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो है आपकी देयर को लेकर, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद यहां मैं आपके लिए जो टॉपिक ले रहा हूं वो है वो सेंटेंसेस जो देयर से स्टार्ट होती है। तो जब कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है वो कौन से सेंटेंसेस हैं जो देयर से स्टार्ट होते हैं? हालांकि शायद आप लोगों को याद होगा मैंने टाइम एंड टेंस में जब मैंने आपको ये कराया था वहां मैंने आपको देयर को काफी अच्छे से समझाया था। फिर भी अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि वो मैंने वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं देयर का जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो आपको लिंक में मिलेगा, पहले आप उसको देखिए फिर उसके बाद इस देयर को देखिए। ऐसा करने से क्या होगा कि पहले आपकी ये तो समझ में आएगा कि देयर होता क्या है, ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको हम देयर से स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि वो सब चीजें आप नीचे लिंक में जाके देख सकते हैं, यहां मैं आपको डायरेक्ट देयर के पैसे बताऊंगा। देखिए पहले आप उसका स्ट्रक्चर देखिए, कभी कभी गलती क्या हो जाती है कि हमें किसी चीज का यही नहीं पता होता कि ये किस तरीके से आएगा। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि हिंदी वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। ये दो स्ट्रक्चर आपके सामने देयर के लिए गए, ठीक है? पहले आप इसे वीडियो में देखेंगे दोनों तरीके से आपको किस तरीके से लेना है। जैसे ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसके बेस पे आपका ये सेंटेंस है, इसके बाद आप जो दूसरा सेंटेंस है उसको देखेंगे। ये दो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लिखे हैं कि पहले आपकी ये तो समझ में आए कि पैसे बनेगा किसका, समझ आ रही बात? तो यहां देखिए देयर से ये दो सेंटेंसेस होते हैं, फर्स्ट इस स्ट्रक्चर के ऊपर। यहां आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देयर मिलेगा, देयर के बाद आपको वर्ब मिलेगी, इसके बाद आपको नाउन मिलेगी, इसके बाद आपको इन्फिनिटिव मिलेगा। इन्फिनिटिव शायद मैंने आपको दो तीन बार और भी बताया है कि 2+V1 होता है। ये जो V1 होता है ये कैसा होता है? ये होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो जब आपके पास एक्टिव वॉइस में कोई सकर्मक क्रिया होगी, कोई ट्रांजिटिव वर्ब होगी, उस कंडीशन में ही आप उसका पैसिव बना पाएंगे। सेकंड स्ट्रक्चर में देखेंगे आप कि आपके पास देयर तो है, वर्ब भी है, बट ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, नाउन है, इसके बाद प्रीपोजिशन है, इसके बाद फिर से नाउन है।
तो जब आपके पास यहाँ कोई ट्रांजिटिव वर्ब है ही नहीं तो ऐसी कंडीशन में आप इसका पैसिव नहीं बना पाएंगे। तो ये जो बड़ी बात है ये आपको समझनी है कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सेंटेंस में कम से कम, यानी जो पैसिव बनाने के लिए जो बहुत जरूरी बात है वो है आपके पास कि सेंटेंस में कम से कम आपके पास एक ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, जो कि यहां नहीं है इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। इसका मतलब आपको यहां केवल इस रूल को लेके चलना है कि अगर सेंटेंस आपका देयर वाला सेंटेंस आपका देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव इसके ऊपर अगर रहता है तो इस कंडीशन में आप उसका पैसिव किस तरीके से बनाएंगे। तो इस कंडीशन में आप उसका पैसिव बनाएंगे वो देखिए कि किस तरीके से आपको बनाना है। स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, यानी अब ये जो प्रॉब्लम है ये तो आप हटाई दीजिए क्योंकि ये तो आपको पैसे में यूज होनी नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस का भी आपके लिए कोई उद्देश्य नहीं है, आप इसको भी हटा दीजिए। अब बात आपकी ये आती है कि अगर ये स्ट्रक्चर या इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपका कोई सेंटेंस आता है तब आप उस सेंटेंस का पैसिव किस तरीके से बनाएंगे। तो सेंटेंस में आपके पास चूंकि इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वी वन होगा, इसका पैसिव बनाने के लिए आपने क्या करना है केवल के टू बी प्लस वी थ्री का यूज करना है, बस ये चेंज आपने करना है। यानी जब भी हम इन्फिनिटिव का पैसिव बनाते हैं तब हमें क्या करना होता है कि टू का जो बी रूप होता है उसे टू बी कर देते हैं, यानी यहां आपके पास जो वर्ब होगी देयर इज नो टाइम टू लॉस, तो यहां आपके पास वर्ब है इज टू, और इज टू का पैसिव जैसा कि आप लोगों को पीछे भी याद होगा मैंने आपको बताया था कि इज टू का पैसिव इज टू बी में, एम टू का एम टू बी में और आर टू का आर टू बी में बनेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसका जो पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा कि देयर इज नो टाइम टू, इज आपके पास है, इसका पैसिव आप कहां बनाएंगे बी में, तो इज टू बी, और जो मेन वर्ब आपकी होगी उसका यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी आप उसका क्या करेंगे वर्ब थर्ड में यानी पास्ट पार्टिसिपल चेंज कर देंगे तो लॉस का क्या हो जाएगा लॉस्ट, तो ये हो जाएगा देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। तो मेरे ख्याल से देयर वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं और वो कौन से हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, तो यहां आपको चलिए एक दो सेंटेंस आप और देखिए जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि देयर के पैसिव जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो पहले तो कम से कम सेंटेंस में एक ट्रांजिटिव वर्ब का होना बहुत जरूरी है, अगर वो होती है उसी कंडीशन में आप उसका पैसिव बना पाएंगे। जैसे दिया सिक्स लेटर्स टू राइट, पैसिव कर दीजिए, आर का आर रहेगा, सिक्स का सिक्स रहेगा, लेटर्स केवल आपने क्या करना है आर टू का जो पैसिव बनेगा वो क्या हो जाएगा आर टू बी। देखिए इसका स्टेप तो एक अगला भी होता है, बीच में एक स्टेप भी होता है, लेकिन यहां आपका डायरेक्ट इससे काम चल सकता है, समझ आ रहा है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में भी आ सकता है कैसे, क्योंकि देयर वाले सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता इसलिए हम देयर का यूज करते हैं, तो इसलिए यहां आपको बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में किसी भी चीज को रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके से आप लेंगे देयर आर सिक्स लेटर्स टू बी राइट का थर्ड कर देंगे रिटर्न। तो इस तरीके से कोई भी देयर वाला सेंटेंस अगर आपके सामने आता है तो आप उसका पैसे बड़ी आसानी से बना देंगे। कुछ एक्सरसाइज में लिंक इसके लिए भी दूंगा, इनकी भी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करिए जिससे आपको यह भी लगभग लगभग क्लियर हो जाए। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो उठाते हैं वो होता है इट वाला, यानी अगर आपके सामने इसी तरीके से जिस तरीके से आपने देयर को सॉल्व किया है उसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज किया जाता है, यदि वो आपके सामने आते हैं तब आप उनका पैसिव किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो वही बात आती है कि उनका एक्टिव किस स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है, तो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा,
इन्फिनिटिव को तो आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि इन्फिनिटिव होता क्या है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2+V1, ठीक है। तो अगर इट वाला सेंटेंस आपका इस स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इट मिलता है, इट के बाद आपको वर्ब मिलता है। देखिए एक सेंटेंस देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इट मिलेगा, इसके बाद आपके पास कोई वर्ब होगी, इसके बाद आपके पास नाउन होगी, इसके बाद इन्फिनिटिव होगा, वही 2+V1 होगा, और इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। यदि आपको स्ट्रक्चर इस यानी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपको कोई सेंटेंस मिलता है, तब आप उसका पैसिव किस तरीके से बनाएंगे, तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये आपका एक्टिव है और इसका पैसिव आप इस तरीके से बनाएंगे। ज्यादातर इन्हीं के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका रीजन भी है कि इनमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि इनमें लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम वाली वैसे कोई बात नहीं है। यहाँ सबसे पहले आपने देखा है कि इन्फिनिटिव, यानी आपके पास कोई एक ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए जो कि यहां है, इसलिए हम इसका पैसिव निश्चित रूप से बना पाएंगे। यहां आपने क्या करना होता है कि जो सेंटेंस होता है इट इज डन, यानी इस सेंटेंस का इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, इसको आपको चेंज नहीं करना है। इसके बाद जो आपको ऑब्जेक्ट होता है आप उस ऑब्जेक्ट को फॉर लगा के लिखेंगे। तो यहां आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर। इसके बाद आप इसका पैसिव बनाएंगे, चूंकि आपके पास वर्ब क्या है इज टू, इज टू का पैसिव आप अगर बनाएंगे तो काय में बनेगा इज टू बी में, इसका मतलब टू बी, और जो मेन वर्ब होगी आपको उसका क्या करना है, वर्ब थर्ड करना है। तो आप इस तरीके से लर्न का थर्ड कर देंगे लर्न। तो आपके आज लगभग मेरे ख्याल से तीनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि किस तरीके से, यानी इंटरोगेटिव, वो इंटरोगेटिव जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते बड़ी आसानी से चेंज हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे देयर वाले, लेकिन देयर वाले में थोड़ा सा आपको देखना है कि कुछ देयर के बनते हैं, कुछ के किस स्ट्रक्चर पे अगर देयर मिलता है। आपको तो बेसिकली एक बात दिमाग में रखनी है, जिनमें आपको ट्रांजिटिव वर्ब मिलती है, सकर्मक क्रियाएं अगर जिनमें मिलती है आप उनके पैसे बना पाएंगे। तो चूंकि इससे पहले जो मैंने देयर बताया था उसमें भी आपके पास एक ट्रांजिटिव वर्ब थी, और यहाँ इट वाले में भी अगर आप देख रहे हैं तो इसमें भी आपके पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां जो आपको एक्सरसाइज मिलेगी उसे लगाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप उसे अच्छे से लगाएंगे तभी आपका इन पे अच्छा कमांड हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इंपरेटिव स्टार्ट करूंगा। देखिये पैसिव वॉइस अपने थोड़े से लंबे चल रहे हैं, उसका रीजन ये है कि पैसिव की बहुत बड़ी जरूरत हमें स्पोकन में भी होती है। तो मैं नहीं चाहता कि यहां आपको अंग्रेजी का केवल जो फॉर्मल इंग्लिश है केवल वो मैं आपको करा दूं, समझ में आ रहा है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल किस तरीके से अंग्रेजी को लेके चल रहा है, आगे बोलने में हमें ये क्या काम देगी, कुछ सेंटेंस में आपको हिंदी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। पैसिव वॉइस को आप जितने अच्छे से कवर कर लेंगे आपको अंग्रेजी में मेरे ख्याल से तो जो प्रॉब्लम है वो लगभग यहां आधी हो जाएंगे। ओके।